नमस्कार दोस्तों, आज मैं वापस से अपने जो गुलाब हैं उनको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। इनको हमने थोड़ा थोड़ा स्प्रे किया था, कहीं कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे। नॉर्मल पानी से ही स्प्रे किया था, तो बहुत ही सुंदर। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इनका लुक लग रहा है। पत्तियाँ को तो भी थोड़ा सा नहला दिया है। तो आप ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतने सारे गुलाब हमारे आते कैसे हैं। तो हम तो सिर्फ़ एक ही खाद देते हैं, पता ही है आपको, वो है सरसों की खली का खाद। और इतने सुंदर फूल आ रहे हैं, देखो आप, पिंक कलर के, येलो, रेड, ये तीनों ही एक ही गमले में हैं। वो भी 9 इंच का गमला है, ये आप देख ही रहे हैं। और अभी और भी इसमें कलियां आ रही हैं, देख सकते हैं आप, पिंक कलर की भी और रेड भी आ रही हैं। और ये एक और आ रही है, देखिए ये भी रेड की है। और ये देखिए, ये जो है ये बिल्कुल लाइट पिंक कलर का गुलाब है, क्योंकि अभी वाइट हो चुका है। दूसरा है ये, और ये ऑरेंज कलर के हैं। देखिए इनमें बहुत सारी कलियां आ रही हैं। थोड़े दिन बाद मैं आपको ऑरेंज कलर के बहुत सारे गुलाब दिखाने वाली हूँ। देखिए अभी अभी ये जस्ट खिलने वाले हैं, तो गुलाबों की कोई कमी नहीं रहती है। कोई भी फूल पौधे हैं, बस आप उनका मेन चीज़ होती है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करें। और जो भी फूल वाले पौधे हैं, उनके लिए धूप कम से कम 5-6 घंटे की ज़रूरी है, तभी उनमें अच्छे से फूल आएंगे। अगर उनकी पत्तियाँ कोई ख़राब हो रही है, तो उनको आप कटिंग कर दो अच्छे से। और सबसे सस्ती और सबसे शक्तिशाली खाद मुझे तो आज तक यही लगी है, ये है सरसों की खली की खाद, जिससे मिट्टी भी ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो आप ही इसे दें, अच्छा रहेगा। मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में बताया है किस तरह से इसको बनाना है। करीब 250 ग्राम के करीब ही आप भिगो दें इसको, और पानी में बहुत 5-6 दिन के लिए, फिर आराम से इसको आप काम में ले सकते हैं, अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं, फूलों वाले। मैं तो एक्चुअली सारे प्लांट में थोड़ा कम दे देती हूँ दूसरे वालों में, और फूलों वाले में सारे में दे देती हूँ। जब तक वो ख़त्म नहीं होती, उसको थोड़ा थोड़ा देती रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसको। बिल्कुल आप एकदम उसको पतला कर लो, डाइल्यूट कर लो, और आराम से आप दे सकते हो उसको। तो इस तरह से आपके, देखिए ये दूसरा कलर का, लाइट पिंक कलर के, इसमें भी बहुत सारी कलियां आ रही हैं, आप देख ही रहे हैं। ये हमारा पूरा गार्डन आपको काफ़ी बार मैंने दिखाया है। गेंदा में भी देखिए काफ़ी सारी कलियां आ रही हैं और आ भी रहे हैं। और दूसरा एक और गुलाब भी है, उसमें भी देखो कलियां तो आ रही हैं, थोड़े दिन बाद खिल जाएंगे। तो बस मैं आपको यही दिखा रही थी। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।